बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर वीरपुर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। 6 महीने से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे सुशील मोदी। आपको बता दें, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का सोमवार को दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों में शोक की लहर है। वहीं मंगलवार को वीरपुर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय ललित नारायण धर्मशाला में श्रद्धांजलि सभा आहूत की गई, जहां सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुशील मोदी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात 2 मिनट का मौन रख उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। भाजपा अध्यक्ष अभय जैन ने कहा कि सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। बिहार में भाजपा के उत्थान एवं उसकी सफलताओं के पीछे उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। आपातकाल का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी अलग पहचान बनाई थी। वे बेहद मिलनसार विधायक के रूप में जाने जाते थे। राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी थी। उनके निधन पर वीरपुर भाजपा परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज हमारे भाजपा के बिहार के स्तंभ युग पुरुष श्री सुशील भाई मोदी जी का निधन कल हो गया। वो पूर्व से बीमार चल रहे थे, उन्हें गले में कैंसर था, जूझते हुए अभी वो कल उनका निधन हुआ। उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ एक शोक सभा आयोजित किए और अभी सारे भाजपा के कार्यकर्ता को पुष्प अर्पित करके उनके तेल चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। अभय कुमार जैन, नगर अध्यक्ष, वीरपुर। अत्यंत दुखद समाचार हम सबों को प्राप्त हुआ। हमारे माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील मोदी जी का देहांत हो गया, जो हमारे विद्यार्थी परिषद में वो पूर्व में हमारे बिहार प्रदेश के संगठन मंत्री हुआ करते थे, प्रदेश मंत्री थे। बाद में वो राजनीतिक क्षेत्र में आए और बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने और राज्यसभा सदस्य भी बने। उन लोगों के साथ में हमारा बैठने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम वगैरह में कई बार उनसे मिलना हुआ और बहुत ही एक सरल स्वभाव के लोग थे और बिहार में बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत ही योगदान था और खास करके नए कार्यकर्ताओं से उनका मिलना और उनको प्रोत्साहन करना एक उनका एक बहुत ही सरल स्वभाव की तरह मिलते थे और जो हमेशा प्रेरणा के लायक था उनका, हमेशा ये जो उनका वचन रहता था और जो बात को कहते थे, हम उन्हीं सभी को प्रेरणा से आज तक लिए हम भी 15 वर्षों तक विद्यार्थी परिषद में काम किया और एक अच्छे नेता के रूप में उन्हें जब बिहार जाना जाएगा और इनकी क्षति को आने वाले समय में तुरंत तो नहीं पूरा किया जा सकता, ये तो सत्य है। प्रमोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता, बीजेपी, मधेपुरा जिला प्रभारी।